दिल्ली लोकसभा सीट से राहुल गांधी के कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अलग ही माहौल दिख रहा है। रायबरेली सीट से नामांकन का आज आखिरी दिन है। हालांकि पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान गुरुवार रात तक नहीं हो पाया। सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के खाते में आई है। यहां उम्मीदवार का नाम तय न होने से कार्यकर्ताओं में ओहापोह की स्थिति थी। हालांकि राहुल गांधी का नाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इस बीच राहुल गांधी के चुनावी रथ पर उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके लिए वोट मांगती नजर आई। जरा देखिए तस्वीरें, कैसे अपने भाई के लिए प्रियंका रायबरेली की जनता से वोट की अपील करती दिख रही है। जिसके बाद इस लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन फॉर्म भरे जाने के दौरान राहुल गांधी के साथ निवर्तमान सांसद सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। गांधी परिवार राहुल गांधी के नामांकन के दौरान एकजुटता में नजर आया। इसके जरिए रायबरेली को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई।